बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के माली हालात बहुत कमज़ोर हैं और जॉबें बहुत कम हैं, जिसकी बुनियाद पर कई अब पाकिस्तानी अब अपनी जॉब के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में ओवरसीज़ पाकिस्तान का ओवरसीज़ का रुख करते हैं। कई गल्फ कंट्रीज़ में आकर जॉब की तलाश करते हैं, कई यूरोप कंट्रीज़ का रुख करते हैं और कई कंट्री में जहाँ पे वो जैसे जैसे सेटल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जॉब हो, जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और अपनी कंट्रीज को भी सपोर्ट करें। इसी सिलसिले में कई लोग जो है ना यूएई में भी आए हुए हैं, कई लोग सऊदी अरेबिया वो कतर वगैरह भी गल्फ में भी आए हुए हैं। दो तीन दिन पहले आपने सबने खबर सुनी होगी, न्यूज़ सुनी होगी कि यूएई ने 24 से 26 सिटीज़ पाकिस्तान की सिटीज़ पर बैन लगा दिया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ है, सबके लिए एक दुख की न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ के कई लोग वो कोशिश कर रहे थे उन शहरों के कि वहाँ पे जाएं, यूएई में जाएं और अपने जॉब और अपने रोज़गार का बंदोबस्त करें और उस जिससे वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और अपने मुल्क को भी सपोर्ट करें। लेकिन हुआ क्या है कि यूएई ने इन 24 से 26 सिटी पे पाबंदी लगा दी है। अब हर किसी की ये है कि यार ये इन शहरों पर पाबंदी लगी क्यों है, क्या इशू हुआ है कि यूएई ने 26 या 24 शहरों पर पाबंदी लगाई। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तान जितने भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, हम एक मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर भी होते हैं, हमारी पहचान एक पाकिस्तानी के तौर पर भी है। हम कोई भी अच्छा भी काम करेंगे तो हमें एक पाकिस्तानी के तौर पर कहा जाएगा कि पाकिस्तानी है जो ना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम कोई इस ममालिक में आके गलत काम करते हैं, कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं कोई भी, तो हम जब पकड़े जाते हैं तो वो ड्रैग और उसका इफेक्ट हमारे मुल्क पे पड़ता है। वो ड्रैग क्या कहा जाता है, पाकिस्तानी ने ही काम किया है। तो इसलिए अपने मैं हमेशा यही कहूँगा कि जब भी आप जिस भी मुल्क में जाएं, आपको वहाँ पे जाते हुए सबसे पहले अपने एक्टिविटीज़ को ख्याल रखना होगा कि इससे मेरी बदनामी, अगर आप कोई बुरा एक्टिविटी करेंगे तो उससे उसके आपकी अपनी बदनामी के साथ साथ आपकी कंट्री की भी बदनामी हुई होगी। तो यूएई में भी यही देखा गया है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान से कुछ लोगों को विज़िट वीज़े पे मंगवा के, विज़िट वीज़ा, क्योंकि मसला ये है कि फिर हमारी अपनी कमियां हैं, जॉब वर्क वीज़े का बोल के विज़िट वीज़े पे ले के आके यहाँ पे लोगों को रखा जाता है, फिर वो आखिर में अगर उनको जॉब नहीं मिलती वो मजबूर होते हैं। तो सुनने में ये आया है, न्यूज़ में ये आया है कि भाई वो भीख मांगते हुए पकड़े गए, जिसकी बेस पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है, जिसकी बेस पे उन लोगों ने उन शहरों पर पाबंदी लगा दी है। खुदा रहा, मेरी आज वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप जिस भी सिटी में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, आप के ऊपर डबल रिस्पांसिबिलिटी आती है। आप यहाँ पे आए हैं, हम जितने भी लोग ओवरसीज आए हैं, हम खुशी से कोई नहीं आता, उसके माली हालात कमज़ोर होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आता है। तो हम यहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए हमें ये भी एहसास करना होगा कि हमें अपने किरदार पर भी किसी को उंगली नहीं उठाने देनी चाहिए और हमें अपने मुल्क का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का यहाँ पर नाम रोशन हो, ना कि किसी गैर एक्टिविटी से, अनलीगल एक्टिविटी की वजह से बदनाम हो। यही हुआ है, आज यूएई ने पाबंदी लगाई है, तो हमें अपने ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि हम किसी ऐसी एक्टिविटी में तो नहीं मुलव्वस जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम होगा और आपकी वजह से उन शहरों में, जिन शहरों में पाबंदी लगी है उन शहरों में कई ऐसे लोग थे जो रोज़गार के सिलसिले में यूएई जाना चाहते थे, अब उन पर पाबंदी लग गई है, उससे क्या हुआ, आपकी वजह से कई लोगों का रोज़गार जो यूएई में आना चाहते थे उन पर बैन हो गया। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, एक तो यह है कि हम लोग यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी पहचान होती है, हम जिस कंट्री में जॉब करते हैं हमें अपने ऊपर हर काम करते हुए सोच समझना चाहिए कि हम किसी इनलीगल एक्टिविटी में मुलव्वज़ ना हो, हमें बस जिस जॉब पर हो हम अपने जॉब के ऊपर फोकस करें कि हाँ हम यहाँ पर हमने ये जॉब करनी है, हम फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हम अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे, हमें अपनी जॉब से हट के कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा नंबर, कुछ दोस्त पाकिस्तानी कुछ हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कि जो यहाँ से उसको मैं फ्रॉड ही कहूँगा कि यहाँ से वीज़ा किसी और चीज़ का भेजते हैं आगे से कुछ और अपने प्रॉफिट के लिए। खुदा रहा, आप किसी के साथ सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, अल्लाह पाक आपको उसका अजर देता है, आप किसी को वीज़ा देते हैं यूएई में जो है ना, किसी का विजिट वीज़ा भेजते हैं या कुछ भी है उसको, क्योंकि मेरी दो तीन दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, उनका भांजा है, वो कह रहा है मेरे भांजे को जो है ना वो पाकिस्तान में 6-7 लाख रुपये उससे ले लिया गया है, वो उसको बुलाया गया कि तुझे यहाँ पे जो है ना जॉब दिलाएंगे, जॉब वीज़ा है, वहाँ पे वो आया तो उसको पता चला कि वो जो आगे वर्क विजिट वीज़ा है
विजिट वीजे के बाद महीना डेढ़ बार उसको कहा कि भाई आप अपनी जॉब ढूंढो, वो बंदा वहाँ पे परेशान है, आप करे तो करे क्या, क्योंकि जिस बंदे ने बुलाया है उसने विजिट वीजा दिया होगा, आप मेरे पास विजिट वीजा महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, हाँ महीने का होता है या डेढ़ दो महीने का होता है, लेकिन वो वीज़े की भी मियाद ख़त्म होने वाली है, वो जिस बंदे ने बुलाया वो उसने कहा है बस मेरा काम था यही भाई, अब वो पाकिस्तान में उसने 5-6 लाख रुपये उस बंदे से ले लिए। इसलिए उदारा आप जिस बंदे को बुला रहे हैं उससे कमिटमेंट, जो जितनी सपोर्ट आप करना चाहते हैं आप उसको पाकिस्तान में ही बता दें कि मैं आपको विजिट वीज़ा दे रहा हूँ, मैं आपको वर्क वीज़ा दे रहा हूँ इतने पैसों में, या जो भी है जो भी आप यहाँ पे कंसर्न है आप उसी तरह उनके साथ बात करें, जिन्हें ये ना हो कि मिस गाइडिंग हो, आप यहाँ पे कुछ और हो वहाँ पे कुछ और हो, बंदा किसी और बेस पे आया हो, तो ये थोड़ा सा इशू बन जाता है उस बंदे के लिए भी और आपके लिए भी। तो जो भी हो उससे क्लियर कट बात करें कि यार ये वीज़ा है, अगर मैं किसी के लिए भी जब वीज़ा आप यहाँ से ले कर भेज रहे हैं, किसी कंपनी का वीज़ा दे अप्लाई करवा रहे हैं, कोई किसी के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, या किसी के लिए कोई आज़ाद वीज़ा जहाँ पे कफील वगैरह जो सऊदी अरब में देते हैं वो, तो उससे क्लियर करें कि यार ये वीज़ा है, ये यहाँ के रिक्वायरमेंट है, आपने ये बात है इतने का है इतने का नहीं है, जो जो चीज़ें हैं जिस जिस हिसाब से हर जगह के मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसको पहले ही पाकिस्तान में ही इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में कुछ और कहते हैं यहाँ पे आके वो कुछ और होता है, तो उस वजह से भी वो इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि सऊदीया में भी कई लोगों का हरूप का इशू है, उन पर यही आया कि पाकिस्तान में हमारे साथ कुछ और कहा गया था, जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ और है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा ना, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से सऊदी अरबिया आना चाहते हैं या गल्फ कंट्रीज कहीं भी, उनके लिए मेरा एक पैगाम भी है, मेरी एक नसीहत भी है, जो भी वो समझें, खुदारा आप जब भी इन ममालक की तरफ आना चाहें तो आप हुनर लाजमी सीख के आएँ, कोई ना कोई काम आपको आना चाहिए, टेक्निकल काम आए या कोई भी हुनर आप ले कर आएँ, बग़ैर हुनर के आप नहीं आएँ, क्योंकि बग़ैर हुनर के यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, क्योंकि जॉब्स यहाँ तक यहाँ पे ज़्यादातर टेक्निकल, आपके पास कोई ना कोई हुनर हो तो जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो मुश्किल होता है, लेबर का काम बहुत टफ है और बहुत कम मिलता है जॉबें, तो इसलिए फिर यहाँ पे आके बंदा पाकिस्तान से कुछ और सोच के आता है, जब यहाँ पे आता है आगे जॉब नहीं होती, क्योंकि उसके पास हुनर किसी के पास नहीं होता, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए जो भी न्यू बंदे आना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान से आते हुए पाकिस्तान में 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगा के कोई अच्छा सा हुनर सीख लें, आपके रिलेटिव है कोई दोस्त है उनसे पूछ लें कि यार कौन सा इस वक्त ज़्यादा अच्छा है, उस रिलेटेड आप जो है ना कोई ना कोई काम सीख के यहाँ पे आए ताकि आपको जॉब मिल सके। तो इसलिए मेरा यही मैसेज था कि खुदारा आप जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप कंट्रीज़ में है या चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में है, आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना कीजिएगा जिससे हमारे मुल्क का बदनामी हो या हमारे मुल्क में बैन लगे, हमें अपने एक लिमिट के अंदर, हम यहाँ पर सिर्फ जॉब करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हमें अपनी काम से काम और एक जॉब जो हमें मिली है हम उसी में अट्रैक्ट दें, और अपने करदार से कोशिश करें कि पाकिस्तान की इमेज बेहतर हो, इमेज बेहतर हो। मैंने 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि यहाँ पाकिस्तान के सफीर के तौर पर भी काम करते हैं, हमारी पहचान एक पाकिस्तानी के तौर पर है, तो जो भी हमें देखते हैं यहाँ पे वो ये पहचानते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, जो भी जिस कंट्री से वो उसको उस कंट्री के नाम से पुकारा जाता है। तो अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारी पहचान एक पाकिस्तानी के तौर पर होगी कि पाकिस्तानी ने अच्छा काम किया। पिछले दिनों वो एक वीडियो वायरल हुई थी यूएई में एक पाकिस्तानी राइडर की, वो जो रोड वगैरह क्लियर कर रहा था, तो वो एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर इमेज गया। तो अगर हम कोई नेगेटिव एक्टिविटी में लफ्ज़ होंगे तो एक पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, जिस वजह से वो बयान वगैरह होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।